दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट आज खेला जाएगा और आज है 25 तारीख। आज के दिन ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों आइए इस मैच से जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम क्रिकेट से संबंधित सारी अपडेट लेकर के आते रहते हैं, चाहे वो हाईलाइट मैच हो या फिर क्रिकेट से संबंधित कोई भी जानकारी हो, आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि आज कौन कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं और कौन कौन सा परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों आज कई स्टार खिलाड़ियों के बिना ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में गुरुवार को उतरेगी, यानी कि आज 25 तारीख को बिना कई स्टार खिलाड़ियों के भारतीय टीम एक बार मैदान में नजर आएगी। ग्रीन पार्क की घरेलू पिच पर ही भारतीय टीम ने 2016 में स्पिनर्स की मदद से न्यूजीलैंड की टीम को बड़े अंतर से हराया था। विराट कोहली की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे पर युवा खिलाड़ियों संग न्यूजीलैंड टीम पर फतह करने का दबाव रहेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उपविजेता रही भारतीय टीम के लिए इस बार परिस्थितियां साथ देने वाली होंगी, क्योंकि इंग्लैंड की पिच पर तेज गेंदबाजों की मददगार थी। पहले गेंदबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी। इस सीरीज के लिए भारत ने सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। कानपुर टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल इत्यादि को आज विश्राम दिया गया है। सीरीज में बल्लेबाजी के लिहाज से दोनों टीमें संतुलित हैं। भारतीय टीम में शीर्ष बल्लेबाजों के साथ मध्यक्रम का दारोमदार अजिंक्य रहाणे पर होने वाला है और उपकप्तान चेतेश्वर पुजारा पर रहेगा। उसके साथ ही कुछ युवाओं के ऊपर और भी दबाव रहेगा, जिनमें श्रेयस अय्यर का नाम भी शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी को संभालने के लिए कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो भारतीय स्पिनर्स की परीक्षा लेंगे, क्योंकि इन बल्लेबाजों को स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर माना जाता है। दोस्तों आज की संभावित अगर टीम की बात करें तो भारत की तरफ से अजिंक्य रहाणे कप्तान, चेतेश्वर पुजारा उप कप्तान, श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ऋषि मानसाहा विकेटकीपरी और उसके बाद रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद रियाज, केएल भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, जयंत यादव कोच रहने वाले हैं राहुल द्रविड़। और दोस्तों अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन कप्तान, रॉस लैथम, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लेंडेन, रचिन रविंद्र, विलियम यंग, नील वैंगनर, एजाज पटेल, बिल समरविले, रॉस टेलर, ग्लेन फ्लिप्स, काइल जेमसन, मिशेल फेंटनर, टीम साउथी, डेरेन मिशेल और कोच रहने वाले हैं गैरी स्ट्रीट। इतने खिलाड़ी आज दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहले टेस्ट से जुड़ी हुई हमने आपको कई जानकारियां बताई और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे इस मैच से संबंधित और इस पूरे सीरीज से संबंधित। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों से लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।